हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे एक बहुत ही भरोसेमंद फंड, बहुत ही अच्छा फंड, जिसमें कि अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो इस फंड में इन्वेस्ट करके आप बहुत ही बेहतरीन राशि यहां से प्राप्त कर सकते हैं और रिस्क भी कम होगा। और आप जब इसका नाम देखेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ, भरोसेमंद फंड है, यहाँ पर चीज़ें आपके फायदे की हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करें इसके रिटर्न की, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये इक्विटी फंड है, ठीक है। और लार्ज और मिड कैप क्या है, तो मतलब रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम है बाकी फंड के मुकाबले। अब बात करें इसके रिटर्न की, आप देख सकते हैं ऑल टाइम रिटर्न इसने 16.47% का दिया है। पिछले 5 साल की बात करते हैं 21.31% का रिटर्न ये देता आ रहा है। पिछले 3 सालों में 17.01% और पिछले 1 साल में इसने 42% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें 17%, क्योंकि अगर आप बैंक या किसी कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको जो रिटर्न वैल्यू मिलती है वो 7 से 8%, बहुत ही रेयर केस में, इससे ज़्यादा कहीं मिल ही नहीं सकता किसी भी फंड में आप बात करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिला है वो कितना मिला है, 17%, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाकी चीज़ों की, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप देखें नेव वैल्यू 43.95 रुपये का है, 3 स्टार रेटिंग है। फंड साइज की बात करें तो 3,234 करोड़ रुपये अभी तक जमा हो चुके हैं, मतलब इतने लोग पैसे इसमें जमा हुए हैं, लोगों ने भरोसा जताया है। मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो 200 रुपये है, 200 रुपये से आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इतना पैसा जमा हुआ क्यों हुआ, इसके लिए आपको इसका नाम देखना पड़ेगा। ये फंड है LIC का, थोड़ा सा पेन का साइज में बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको सही चीज़ें दिखे। ये फंड है LIC का म्यूचुअल फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब LIC का नाम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में इंश्योरेंस की चीज़ें दिखती है, लेकिन यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड है, इस कारण से यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत ही भरोसेमंद लगता है और लोग इसमें दबा के पैसे जमा कर रहे हैं। तो चलिए अब और भी चीज़ें इसकी जान लेते हैं धीरे धीरे। बात करें इसके होल्डिंग्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस कंपनी में इसने पैसे जमा किए। HDFC बैंक में किया है, ICICI बैंक में, ट्रेंट लिमिटेड, शक्ति पर्म्स, REC लिमिटेड, इनमें सबसे ज़्यादा इसके द्वारा पैसे जमा किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं आप, देखिए अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो 5,000 से, और अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 200 रुपये से यहाँ पे चालू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.60%, और एग्जिट लोड अगर 12% से ज़्यादा आप निकालते हैं तो 1% का आपको लगेगा, ठीक है, 3 महीने के अंदर अगर ये चीज़ें करते हैं तो। ये उसकी पूरी जानकारी हो गई। अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। जैसा कि आपने देखा कि इसने 16-17% हर साल दे रहा है रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न, तो हम लोग भी यहाँ पे बात करेंगे 16% पे, ठीक है। और पैसा कितना जमा करेंगे, 1,500 रुपये। अगर 1,500 रुपये आप जमा करते हैं, तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें दिखती रहे, तो क्या है कि अगर आप 16% और 5 साल तक ये करते हैं 1,500 रुपये जमा, तो 90,000 रुपये आपका जमा होगा, 48,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,38,000। यही चीज़ हम लोग 10 साल तक देखते हैं, तो 10 साल में क्या होगा, 1,80,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 2,64,000 आपको रिटर्न मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 4,44,000। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2,70,000 का इन्वेस्टमेंट होगा 15 साल में, 8,52,000 का आपको रिटर्न मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 11,22,000 की बनेगी। 20 साल में देखें यही कहानी, तो 20 साल में जो वैल्यू है वो 3,60,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 22,64,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 26,24,000 की बनेगी। 25 साल की बात करें तो 25 साल में 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट, 54 लाख रिटर्न, टोटल वैल्यू 59 लाख की बनेगी। और यही चीज़ अगर 30 साल कर देते हैं तो 5,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 1,27,00,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 1,37,00,000। ये कितने पैसे पे हुआ, मात्र और मात्र 5,40,000 पे। और रिटर्न भी मैं ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ, मात्र और मात्र 16% का, और इतना तो मिनिमम होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, नहीं तो आप देखिएगा 20% 25% ऐसे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिटर्न की
कि गारंटी लेके मत बैठिएगा। जब भी इन्वेस्ट कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके, क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में कभी भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती, यहाँ पे चीजें फ्लक्चुएट करती है। तो ऐसा ना कि आप अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ लगा दें और बाद में आपको पछताना पड़े। तो रिटर्न की गारंटी नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, जो पिछले कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कह रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।